हेलो दोस्तों, परीक्षा प्लस में आपका स्वागत है। आज जूनियर असिस्टेंट के टेस्ट 09 का सॉल्यूशन देखेंगे। रीजनिंग सेक्शन का पहला सेक्शन आपका फिर से उसी तरह ऑड वन आउट की तरह क्वेश्चन है। इस बार है जो क्वेश्चन आपका वो नंबर से रिलेटेड है। पूछ रहा है कि इसमें ऑड वन आउट क्या होगा। ऑप्शन ए है, जैसे 255 दिया हुआ है, सम करोगे सभी डिजिट का तो आएगा 5 5 10 2 12। ऑप्शन बी में है 201 तो इसका आ जाएगा 3। ऑप्शन सी है इसका 363, 6 3 9 3 12। और ऑप्शन डी जो है इसका वो 3 4 5, तो इसका भी 12। तो सबका सम 12 आ रहा है, सिर्फ इसका 3 आ रहा है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन दो जो है आपका ये भी ऑड वन आउट है। उसका सॉल्यूशन जो है आपका पीडीएफ में दिया गया हुआ है। क्वेश्चन थ्री में है कि बोल रहा है कि आपका डायग्राम में कि बताना है कौन सा है उसका सटीक डायग्राम होगा, जैसे द्रव, दूध, नदी का पानी। तो आपको पता है कि ये पूरा का पूरा लिक्विड में हो जाएगा, द्रव में एक बड़ा सा सर्किल, उसी के अंदर नदी का पानी हो जाएगा, उसी के अंदर दूध हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन जो सी होगा, मतलब ऑप्शन बी और सी नंबर वाला डायग्राम सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिर से वही डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन है। आप दो डाइस फर्स्ट और सेकंड को उठा लीजिएगा, 5 4 6 और 5 3 2, दोनों में आप क्लॉकवाइज चल दीजिएगा। तो यहाँ से पता चल जाएगा आपका कि 6 के अपोजिट में क्या है, 6 2 के अपोजिट में क्या है, 6 है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 डिस्टेंस डायरेक्शन से है। बोला श्रीमान है कोई एक एक्स, वो जो हैं पहले अपने घर से 45 मीटर उत्तर पूर्व की ओर जाते हैं। ठीक है, कोई एक्स है उत्तर पूर्व, ये आपका डायरेक्शन हो गया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो ये नॉर्थ ईस्ट होगा, ये नॉर्थ वेस्ट होगा, और ये साउथ वेस्ट, ये साउथ ईस्ट। ठीक है, यहाँ कुछ दूर तक जाते हैं ये, उसके बाद से क्या करते हैं, वहाँ 45 मीटर तक, 45 की डिस्टेंस है ये। फिर वो 45 मीटर दक्षिण पूर्व जाते हैं। अब यहाँ से फिर से यहाँ से हम डायरेक्शन ड्रा करेंगे, यहाँ से वो दक्षिण पूर्व जाएंगे इतना ही 45। ठीक है, उसके बाद से फिर यहाँ जब पहुँचेंगे तो वहाँ से फिर ये देखते हैं किधर जाते हैं। फिर वहाँ से वो 45 मीटर दक्षिण पश्चिम जाएंगे, मतलब यहाँ पहुँच गए, यहाँ से दक्षिण पश्चिम मतलब ये वाला डायरेक्शन हो जाएगा। यहाँ से फिर जाएंगे 45 तो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से बोल रहा है कि फिर से वो अपने घर की तरफ बढ़ेंगे, तो यहाँ से अपने घर की तरफ बढ़ेंगे तो कौन सी दिशा में जाएंगे, ये नॉर्थ हो गया है, ये आपका वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे। तो वही आपसे पूछ रहा है लास्ट में कि वो किस दिशा की ओर जा रहे हैं। तो लास्ट में अपने घर की तरफ जाएंगे तो नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, मतलब उत्तर पश्चिम में जाएंगे। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 6, जो भी है डिस्टेंस डायरेक्शन से होगा। ये भी पीडीएफ में आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इसका भी पीडीएफ में सॉल्यूशन है, आप देख लीजिएगा वहाँ पे से। क्वेश्चन नंबर 8 का भी पीडीएफ में सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी पीडीएफ में सॉल्यूशन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका एनालॉजी से है, बी सी डी एफ इक्वल आपका रिलेशन में है 15। पूछ रहा है कि एल एम एन पी का क्या होगा। तो यहाँ देख लेते हैं बी का क्या होता है, प्लेस वैल्यू 2 3 4 और ये 6 6 4 10, ठीक, और ये 5। तो टोटल कितना हो गया 15, मतलब सबकी प्लेस वैल्यू जोड़ दिया गया है, तो वही लिखा गया है। तो इसकी प्लेस वैल्यू अब जब जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 55। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बोल रहा है पंखा में जैसे पंखुड़ी होती है तो पहिया में क्या होगा, तिल्ली होगी। ऑप्शन बी आपका सही होगा। नेक्स्ट है स्ट्रेस रिलेटेड है, RTRESS से, तो एस चेंज हो गया, आर में बाकी सब चेंज नहीं हुए हैं। तो पूछ रहा है कि पल्स का कोड क्या होगा, तो पहले वाले लेटर को चेंज कर देंगे। ये कितना हुआ, एक माइनस हुआ है, ये 19 पे होता है, ये 18 पे होता है, बाकी सेम है, तो ये 16 पे होता है, एक माइनस कर देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 15 ULSE, OULSE। ऑप्शन आपका डी होगा इसका सही। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, पीडीएफ में आपका सॉल्यूशन दिया, देख लीजिए वहां से। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं कोडेड ब्लड रिलेशन पे। जितने भी डायरेक्शन उसमें दिए हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा कि किसका किस सिंबल का मतलब क्या होता है। उसके बाद से इसका डायग्राम बनाते हैं, एल प्लस एम इंटू एन। बोल रहा है एन एन से कैसे संबंधित है, तो एल प्लस एम, प्लस का मतलब क्या है, ए जी की माता है, तो एल जो है वो किसकी माता है, एम की माता है, माइनस साइन। अगला है एम इंटू एन, एम इंटू एन का मतलब क्या है, ए जी की मौसी है,
दिया आपके डायरेक्शन में, तो इसमें क्या होगा, एम जो है एम एन की मौसी है, तो यहाँ कोई इसकी बहन होगी, उनकी एक लड़की होगी, तभी ये एम जो है एन की मौसी कहलाएंगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आपका डायग्राम बनेगा। अब पूछ रहा है आपसे इसमें कि एल एन से कैसे संबंधित है, एल जो है एन से कैसे संबंधित है, इसका जवाब आपका जेंडर क्लियर है एन एल का, तो ये क्या होगी, इसका तीसरे जनरेशन से रिलेटेड है, तो ये नानी होंगी। ठीक, तो ये होगा आपका आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, इसका आंसर आपका दिया हुआ है पीडीएफ में, आप वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है आपसे कि ये सीरीज दिया हुआ है, उसमें पूछ रहा है कि कब ऐसा होगा, जैसे ए पी एन क्यू पी एन ओ एस पी टी ओ जे पी एन ओ वाई एम पी एन ओ, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, और पूछ रहा है इस सीरीज में कि कितनी बार पी इस प्रकार मौजूद है कि पी के तुरंत बाद एन ओ आए, पी के तुरंत बाद एन ओ आना है, तो पी के तुरंत बाद देखो एन ओ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, एक ये हो गया, यहाँ पे पी के बाद एन ओ आ रहा है, एक ये हो गया, और एक ये लास्ट वाला, मतलब तीन बार ऐसा हुआ है इस पूरे सीरीज में, तो आंसर तीन बार होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17 अल्फाबेट सीरीज से है, सी ए एस 23, अगला है ई सी यू 29, ऐसे सीरीज बनी हुई है आई जी वाई 40, के आई ए 21, ओ एम ई 33, क्यू ओ जी 39। अगला पूछ रहा है कि अगला सीरीज क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पे, देख लेते हैं सी से ई, ये होता तीन पे, ये पाँच पे, ये आपका 9, ये 11, ये 15 और ये 17, कितने कितने का अंतर है, 3+2+4+2+4 फिर +2, तो अगला क्या होगा, फिर +4 पे होगा, 17 और 4 21, तो यू होगा। ठीक है, तो यू होगा। अगला इसमें देख लेते हैं ए से सी, ए होगा 1 पे, सी होगा आपका 3 पे, 2 हुआ, फिर से इसमें सी से जी 3 और 7+4, तो यही चल रहा है +2+4, 23 से 29 देख लेते हैं इसमें क्या है। ठीक है, यहाँ है +6, तो ये इससे नहीं चल रहा क्योंकि इसमें भी +6 होना चाहिए, चाहे समथिंग होना चाहिए, तो ये ऐसे नहीं है, तो इनका देख लेते हैं कि कहीं प्लेस वैल्यू तो ऐड नहीं है, जैसे सी ए एस, एस हो गया 19 पे, ये कितना हो गया 1+3, तो 19 से 20+3 23, वैसे ही इसके साथ जोड़ते चले जाएंगे तो ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी। जो भी यहाँ पे आएगा जैसे +3+4 करने पे, तो यहाँ से यहाँ पे क्या होगा, +4 होगा, तो ओ से +4 15 4 19, 19 पे आपका एस आएगा, फिर जी पे +4 होगा, तो 7 4 11, मतलब के आएगा, यू एस के। ठीक, और इनका जो आपका आएगा सबकी प्लस वैल्यू जब प्लस करोगे 21 19+11, तो ये आपका 51 आएगा, तो ये आपका आंसर होगा यू एस के 51। ठीक है, तो ये आंसर आपका ए होगा ऑप्शन में। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 इसका जो है सीरीज है, पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन दिया, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 रैंक ऑर्डर से क्वेश्चन है, ऑर्डर रैंकिंग से, चलिए इसे बता देते हैं। 5 लड़के हैं, समीर, रोनी, मोहित, हर्ष और तथा पंकज। रोनी ने मोहित से अधिक लेकिन समीर से कम, देखिए रोनी है मोहित से अधिक लेकिन समीर से कम अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, यहाँ हो गया समीर। पंकज ने सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं, मतलब यहाँ कुछ पंकज होगा। अगला
तथा हर्ष ने मोहित से कम अंक प्राप्त किए हैं। हर्ष ने मोहित से मतलब यहाँ पे क्या होगा, हर्ष होगा। ये आपका एक डायग्राम बन जाएगा। अब इससे आप बता सकते हैं, पूछ रहा है कितने किसने दूसरे सबसे अधिक अंक प्राप्त किए, तो पहला तो ये हो जाएगा, दूसरा रोनी हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका ए जो होगा सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन 20 आपका पीडीएफ में सॉल्यूशन दिया, देख लीजिएगा वहां से। 21 इसमें है आपका, 21 में ए बी सी डी, कोने वाले आयतकार मैदान का परिमाप 28 है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सूचना जो है जरूरी है जिससे आपका आंसर आ जाए। तो इसमें एक ऑप्शन सी दिया हुआ है कि आयत का परिमाप आयत के क्षेत्रफल का 50% अधिक है, तो इससे आपका आंसर जो है आ जाएगा। अगला क्वेश्चन तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। इसका जो है पीडीएफ में आपका सॉल्यूशन दिया, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें भी पीडीएफ में सॉल्यूशन दिया है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 भी आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि किसका सबसे जो भी एरिया ज़्यादा दिख रहा है उसका बताना है, कि क्योंकि उसमें दिया कितना परसेंट आपका डिग्री में दिया है तो उसका परसेंटेज पूछ रहा है कि जैसे 108 विविध मतलब मिसलेनियस में जो खर्चा होता है उसका परसेंटेज क्या होगा। तो 108 अपॉन 360 करोगे इंटू 100 करोगे तो यहाँ से परसेंटेज निकालोगे 30% के अप्रोक्स आएगा, तो यही आपका आंसर होगा, आंसर भी। अगले क्वेश्चन के 25 ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसका आपका सॉल्यूशन भी दिया गया है आपके पीडीएफ में, वहां से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन पे। 26 में ए प्लस बी का मतलब है ए बी की अपति है। अब उसमें मैं जो भी आपको डायरेक्शन दिया पढ़ लीजिए आप लोग पेपर से, और जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डब्ल्यू प्लस एफ जो इक्वेशन दिया है परसेंटेज जी प्लस एच कुछ ऐसा दिया हुआ है, और पूछ रहा है एच डब्ल्यू से कैसे रिलेटेड है। तो W प्लस एफ का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब ए बी का पति है, W जो है किसका पति है, एफ का पति है। यहाँ दोनों का एजेंडा क्लियर हो जाएगा जब भी यहाँ पति पत्नी का बात होता है, तो इसमें क्या होता है पहले वाले का भी और सिंबल के बाद वाले का भी जो एजेंडा क्लियर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला जो बोल रहा है इसमें कि एफ परसेंटेज जी, परसेंट का मतलब देख लेते हैं, परसेंट का मतलब बता रहा है कि ए बी की बेटी है, ठीक है, ए जो है बी की बेटी है, तो एफ जो है वो जी की क्या है, बेटी है। अगला प्लस एच, प्लस एच का मतलब फिर वही कि आपका जी और एच पति पत्नी है, ठीक है, इसमें से अब किसी का कुछ पता नहीं है कि कौन पति है कौन पत्नी है। अगला पूछ रहा है आपसे, इसमें बोला है जी और एच मतलब जी जो है पति है तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा एच। क्वेश्चन था कि एच डब्ल्यू की कौन है, एच जो है वो डब्ल्यू की कौन है, तो यहाँ से क्या लग जाएंगे, ये इनकी सास है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 27, इसका पीडीएफ में सॉल्यूशन दिया, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 28 ये भी दिया है पीडीएफ में, 29 ये भी पीडीएफ में आपका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आपके पेपर का। सीरीज है ओ टी ई पी जे एफ क्यू वी जी आर डब्ल्यू एच, नेक्स्ट पूछ रहा है तो एम एन ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू आर, अगला एस, टी के बाद यू है, ये जे नहीं है, यू, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, अगला एक्स, ई एफ जी एच आई, तो एस एक्स आई मतलब सिंगल वन वन जो है आपका इंक्रीज कर रहा है। तो ये आपके हो गए टोटल पेपर 9 के 30 क्वेश्चन के सॉल्यूशन। अगले पेपर में मिलते हैं कुछ पेपर 10 में, तब तक के लिए धन्यवाद।